चलिए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा समाचार, बड़ी खबरों के बारे में। पर उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक करें और खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में दिवाली छठ पर मिलेगा टिकट। पटना और कटिहार के लिए उत्तर प्रदेश से चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। यह बता दें कि भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में भीड़भाड़ का दबाव कम करने को पंजाब से बिहार के लिए दो और फेस्टिवल ट्रेनें चलेगी। वहीं सीनियर डीसीएम का कहना है कि दिवाली व छठ पूजा पर भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड को फेस्टिवल ट्रेनें चलाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी कल करेंगे अलीगढ़ दौरा, हैबिटेट सेंटर का लोकार्पण और करेंगे रात्रि प्रवास। यह बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अक्टूबर यानी कल अलीगढ़ आ रहे हैं। प्रशासन ने हेलीपैड से लेकर अन्य तैयारियां करनी शुरू कर दी है। वहीं डीएम ने हैबिटेट सेंटर की बिल्डिंग का निरीक्षण करते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ अभी बैठक में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगी सुविधा। पराली से चारा बनाने को किसानों को किराए पर मिलेगा कृषि यंत्र। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से वायु प्रदूषण को रोकने को विकास भवन प्रशासन ने अभी से ही पहल शुरू कर दिया है। पराली जलने से रोकने को जिले 8 ब्लॉकों के 27 ग्राम पंचायतों में कृषि यंत्र उपलब्ध कराया गया है। अब इस यंत्र को किसान किराए पर लेकर पराली से चारा बना सकते हैं। बता दें कि जिसका उपयोग वह घर के पशुओं को खिलाकर करें या फिर गौशाला को उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश में सिटी बस में भीड़ की मारामारी से मिलेगी राहत। गोरखपुर को मिलेगी 25 नई बस और दो नए चार्जिंग प्वाइंट। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जल्द ही सिटी बस सेवा का और विस्तार होने जा रहा है। एक तरफ जहां 25 नई सिटी बसें मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर भटहट और सहजनवा में एक एक चार्जिंग प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। वहीं बता दें कि जो 25 नई बसें आएंगी उन्हें शहर के विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त बस के रूप में चलाने के साथ ही जिले की सभी तहसील मुख्यालयों से जोड़ने की तैयारी है। बता दें कि 25 नई बसें आ जाने से जिला मुख्यालय से सभी तहसील सिटी बस सेवा से जोड़ने की भी कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश की आईआईटी कानपुर के ड्रोन और 5G टेक्नोलॉजी देखेगा देश। दिल्ली में 14 से आयोजन, देश के 75 स्टार्टअप को मौका। यह बता दें कि देश में ड्रोन और 5G टेक्नोलॉजी की अगुवाई आईआईटी कानपुर करेगा। दरअसल आईआईटी दिल्ली में आज से शुरू हो रहे मेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोकेस इवेंट इन्वेंटिव में पहली बार देश के सभी 23 आईआईटी हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि इस इवेंट में 6 शोकेस में टॉप 75 प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी शोकेस और 5G टेक्नोलॉजी शोकेस का नेतृत्व आईआईटी कानपुर करेगा। हालांकि 5G टेक्नोलॉजी में कानपुर के साथ आईआईटी मद्रास भी होगा। इवेंट्स में सबसे अधिक 12 प्रोजेक्ट्स भी आईआईटी कानपुर के ही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी मेरे मकान को बचाओ। कानपुर में बदमाशों ने किया घर पर कब्जा तो महिला ने पोस्टर लगा कि सीएम से अपील। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली एक महिला अपने घर की दीवारों पर पर्ची चिपकाकर और अपने घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वह उसके घर को उपद्रवियों से बचाए। वहीं हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खांडेपुर कॉलोनी में रहने वाली बुजुर्ग पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके घर पर पुलिस की मिलीभगत से बदमाशों ने कब्जा कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हादसों पर लगाने के लिए लगाम। यूपी में बनेंगी 77,000 किमी सड़कें, मिलेंगी गड्ढों से राहत, सीएम योगी ने दी डेडलाइन। यह बता दें कि लखनऊ ही नहीं प्रदेश के तमाम शहरों और जिलों की सड़कें भी काफी बदहाल है। वहीं 12 विभागों की कुल 77,060 किमी सड़कें खराब है, जिनमें बनाने की जरूरत है। शासन की ओर से इन्हें जल्द बनाने का निर्देश अभी दे दिया गया है। निकाय चुनाव से पहले सभी सड़कों को बनाने के निर्देश है। वहीं बता दें कि प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने 10 अक्टूबर को ही आवास के साथ सभी विभागों की खराब सड़कों की सूची भेज दी है। दोस्तों, क्या आपके शहर या गांव में भी सड़कें खराब हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी तकरार, क्या एक होगा यादव परिवार। मुलायम सिंह के निधन के बाद क्या करेंगे अखिलेश और मुलायम शिवपाल। जी बता दिए कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी यानी सपा के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच इन दिनों एक सवाल मंडरा रहा है कि क्या अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच तालमेल होगा या फिर उनका संबंध और खराब हो जाएगा। बता दें कि लोगों को संबंध खराब होने का संदेह इसलिए है क्योंकि परिवार के मुखिया अब नहीं रहे। मुलायम सिंह की हालत बिगड़ने पर अखिलेश और शिवपाल दोनों को कई मौके पर एक साथ देखा। बता दें कि जब नेताजी को इस महीने की शुरुआत में आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, तब कई राजनीतिक दलों के नेता उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे।
उत्तर प्रदेश में सरकार की नई डेयरी नीति, दूध फैक्ट्री पर 15 करोड़ तो चारा प्लांट पर 5 करोड़ अनुदान, 1.25 लाख को रोजगार। यहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में निजीकरण और को ऑपरेटिव क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण इकाई लगाने वालों को 15 करोड़ रुपए अनुदान देने का फैसला किया है। पुरानी इकाइयों को विस्तार देने और आधुनिक मशीनें लगाने के लिए 7.50 करोड़ रुपए व उन्नत किस्म के पशु आहार बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने वालों को भी 7.50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 को स्वीकृति दे दी गयी है। उत्तर प्रदेश में किसानों से 73 मीट्रिक टन धान 2040 रुपए खरीदेगी सरकार। मक्के का रेट 1962, बाजरे का भाव 2350 रुपए। यह बता दें कि धान खरीद के लिए उत्तर प्रदेश में 4000 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार 73 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वही नीति के तहत कॉमन श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 260 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अभी कैबिनेट की हुई बैठक में धान खरीद नीति का निर्धारण भी किया गया है। मेरा सपना है एक दिन हिजाब पहनने वाले पीएम बने, पसंद है तो आप पहनो बिकनी, ओवैसी का बड़ा बयान। ये बता दें कि कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय बटी हुई है। अब इस केस की सुनवाई बड़ी बीच की ओर की जाएगी, लेकिन इसी बीच अज़ुद्दीन ओवैसी ने हिजाब का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी की है। ओवैसी ने कहा है कि मैं जब कहता हूं कि मेरा सपना है कि एक दिन इस देश की पीएम हिजाब पहनने वाली बने, तो बहुत से लोगों के सिर और पेट में दर्द होता है। मुझे ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए, यह मेरा सपना है, इसमें गलत क्या है? लेकिन आप कहते हैं कि किसी को हिजाब नहीं पहनना चाहिए, फिर क्या पहनना चाहिए? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डिप्टी सीएम के काफिले में हुआ हादसा, 2 पुलिसकर्मी सहित 6 लोग घायल। यह बता दें कि लखनऊ से कार के जरिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जा रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में अचानक एक वाहन की टक्कर से हादसा हो गया। हादसे में 2 पुलिसकर्मी सहित 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जाने के लिए कार के जरिए लखनऊ से लखीमपुर जा रहे थे। इसी दौरान खैराबाद और कोतवाली देहात थाना इलाके में पड़ने वाली नानकारी गांव के पास काफिले में शामिल एक एम्बुलेंस को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने गोरखपुर महाराजगंज में किया बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण, बोले जनता की सेवा को सदैव तत्पर है सरकार। ये बता दें कि अक्टूबर में पहली बार असमय बाढ़ की त्रासदी का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आपदा की चुनौती का मजबूती से सामना करते हुए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार जनता की सेवा में जुटी है। बाढ़ प्रभावित हर व्यक्ति को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि ये सारी बातें अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कही है। उन्होंने महाराजगंज और फिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को हवाई सर्वेक्षण किया है, फिर उन्होंने पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करके लोगों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के लेडी डॉन पंडितायन की 13.52 करोड़ की संपत्ति कुर्क अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही। यह बताने के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्मैक की धंधेबाजी लेडी डॉन किशोर कुमारी उर्फ पंडितायन के अपराध से अर्जित 13.52 करोड़ की संपत्ति को अभी पुलिस एवं जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। इनमें 3 मंजिला, 2 मकान, दुकान व 1 दामाद के नाम पर दर्ज जमीन शामिल है। तहसील सदर को कब्जे की जिम्मेदारी दी गई है। वही बताने के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जोन में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में इस तरह की कार्रवाई पहले नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में इस उद्योग को लगाने पर 25% सब्सिडी देगी योगी सरकार, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्र उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को 25% कैपिटल सब्सिडी देगी। बता दें कि सरकार ने अभी इन सभी सेक्टरों में 5 साल में 10,000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्दी यहाँ न आई काम, ट्रेनों में बिना टिकट पकड़े गए 427 सिपाही और दरोगा। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में वर्दी पहनकर ट्रेन में सफर करने के दौरान आकस्मिक चेकिंग में 427 सिपाही और दरोगा पकड़ लिए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में ही चली आकस्मिक चेकिंग के दौरान 6056 यात्रियों को भी बिना टिकट पकड़ा गया। इनमें 427 सिपाही और दरोगा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत,
दी गई यह भारी छूट। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया में थोड़ी राहत दी है। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने गूगल फॉर्म से आवेदन पत्र सबमिट किए जाने की शर्त को हटा दिया है। यानी अब आवेदन पत्र सिर्फ ईमेल और बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से सबमिट ही करना होगा। यूपीपीआरबी ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों और दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे अभ्यर्थियों को आ रही दिक्कतों के चलते गूगल फॉर्म से आवेदन करने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को जरूर दबाएं।